हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का चार्ट ऑफ द वीक वीडियो में। तो यहां पर पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी का शॉर्ट में एक एनालिसिस करेंगे, और फिर जो आज आपको मैं एक चार्ट ऑफ द वीक में स्टॉक बताने जा रहा हूं उसमें अभी जस्ट ब्रेकआउट आना है। नेक्स्ट वीक उसमें ब्रेकआउट आना है, क्योंकि मोस्टली आप स्टॉक देखोगे तो ब्रेकआउट ब्रेकआउट हो चुके हैं, बट जो मैं स्टॉक बताऊंगा उसमें अभी ब्रेकआउट आना है नेक्स्ट वीक। जस्ट वो ब्रेकआउट के लाइन पर है। तो उससे पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एक शॉर्ट में अपडेट। निफ्टी का आप डेली के चार्ट पे देखोगे तो ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक किया था और उसके ऊपर ये गया, बट थोड़ी इसमें अभी करेक्शन देखने को मिल रही है। तो ये जो ब्रेकआउट का लेवल था यही अब इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर हम इसके लेवल के ऊपर, ये करीब करीब 18600 का लेवल है, इसके ऊपर हम सस्टेन रहते हैं कंटिन्यू 18500-18600 के ऊपर, तो देन फर्दर फिर हम आगे जाएंगे। अगर 18500 के नीचे क्लोज देता है या इसके नीचे कंटिन्यू सस्टेन रहता है तो हम फिर नीचे आ जाएंगे। बट अभी जो डाटा देख के लग रहा है कि अभी FIs बिल्कुल सेलिंग के ज्यादा मूड में नहीं है, तो उनकी नेट में अभी FIs हमें बाइंग ही ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। तो FIs के डाटा को ट्रैक करते रहिए, जब तक वो बाइंग कर रहे हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं। और खास तौर पर अभी लग रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि बजट तक, बजट से जस्ट पहले लग रहा है कि अभी शायद ज्यादा सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो अभी बढ़िया मौका है, अच्छा है। और वीकली का चार्ट अगर आप देखोगे तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखाई देगा कि कोई अभी इंडिकेशन नहीं है नीचे के साइड में। और बात कर लेते हैं अब बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी अब वीकली चार्ट यहाँ देखिए कि कोई यहाँ पर परेशानी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये लाइफ टाइम हाई यहाँ ब्रेक हुआ था, उसके ऊपर सस्टेन रह गया। करीब करीब यहाँ पर 4 वीक हो गए हैं उसके ऊपर सस्टेन होते हुए। और दूसरा अगर हम इसका डेली का चार्ट देखोगे तो डेली के चार्ट पर देखोगे तो लास्ट के 5-6 ट्रेडिंग सेशन से ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, और इसकी जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो 43,000 के लेवल के आसपास ही क्लोजिंग में देखने को मिल रही है। प्राइस ऊपर जा रहा है बट क्लोजिंग जो आ रही है वो 43 के आसपास ही क्लोज हो रही है। तो इसके लिए सपोर्ट का लेवल काम करेगा ये 42,600 का। तो जब तक हम इसके ऊपर है तब तक हम अप ट्रेंड में चलते रहेंगे, अगर इसके नीचे जाते हैं तो फर्दर करेक्शन आ सकती है। तो ये तो था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक शॉर्ट में अपडेट। और साथ में दोस्तों, खास तौर पे जब आप बैंक निफ्टी और निफ्टी को ट्रेड करते हो तो ये जरूरी नहीं होता है कि अगर मार्केट ग्रीन है तो ग्रीन ही चलता रहेगा या रेड है तो रेड ही। आपको इंट्राडे चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए जब आप एंट्री करते हो, कि आपको रिवर्सल भी पता होना चाहिए कि इंट्राडे में कब अप ट्रेंड से डाउन हो रहा है, डाउन से कब वो अप ट्रेंड में चार्ट हो सकता है। तो अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में ट्रेड करते हो निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, TVS इंडेक्स ऑप्शन प्रीमियम के नाम से। तो आप वो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। पहले डिस्कस करने से पहले, अभी हम जो नवंबर मंथ के जो हमारे स्टॉक्स मैंने आपको डिस्कस किए थे, एक बार उनका शॉर्ट शॉर्ट में अपडेट और रिव्यू हम देख लेते हैं। तो जैसे हम मैंने आपको एक अभी स्टॉक दिया था NIACL, तो यहाँ पर काफ़ी ट्रेडर मुझसे पूछ भी रहे थे सर क्या करें। तो मैं वीकली चार्ट में भी आप देखिए, ये आपको लेवल यहाँ पे दिया था, ब्रेकआउट से पहले आपको बोला कि बाय कर लो 90 के लेवल के आसपास। तो 90 वाला ये स्टॉक देखिए 117 तक जाकर अभी 110 के आसपास है, तो इसमें आप बने रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आपको स्टॉक दिया था सेल, आप देखिए यहाँ पर ये भी आपको स्टॉक दिया था, बट ये डाउन में भी नहीं गया बट इतना ज़्यादा मूव भी नहीं किया। तो ये स्टॉक भी बिल्कुल 82 से 87 के आसपास है, तो अभी प्रॉफिट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये थोड़ा स्लो मूव करता है, स्लोली स्लोली जाएगा। और एक आपको और दिया था FSL, तो ये भी देखिए मैंने काफ़ी स्टॉक आपको ब्रेकआउट के पहले ही डिस्कस किए थे, और ये स्टॉक आपको दिया था 108 के पास, और प्राइस देखिए यहाँ पर ही आपको दिया था और ये 115 तक चला गया। और बात करते हैं अगर माइंडट्री IT स्टॉक का, आपको ये दिया था माइंडट्री, यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद ऊपर ये लेवल करीब करीब 300-400 पॉइंट का प्रॉफिट दिया था, और उसके बाद ये फिर से उसी लेवल पर आ चुका है, बट एक बार इसने अच्छा मूव दे दिया था। और बात करते हैं पन्मा पेट्रोकेमिकल,
तो ये स्टॉक आपको दिया था, यहाँ पर आप देखिए ये स्टॉक आपको ब्रेकआउट से पहले दिया था 347 के आसपास, और ये स्टॉक चला गया था करीब करीब 5425, तो ऑलमोस्ट इसमें आप देखोगे करीब करीब 75 पॉइंट का प्रॉफिट। तो इसी बात पे गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आप ये वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं काफी मेंबर्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले, सो दैट मैं आपके लिए और भी वीडियो शेयर करता रहूं। तो एक दो स्टॉक और आपके साथ अभी डिस्कस कर लेते हैं जो हमने चार्ट ऑफ द वीक में दिए। तो गैब्रियल इंडिया, ये भी देखिए ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और आपको बोला कि थोड़ा डिप्स में बाई कीजिए, और ये 175 वाला, और आप देखिए ऑलमोस्ट 200 तक टच होकर अभी नीचे है। और आपको स्टॉक दिया था स्पार्क, तो ये आपको बोला कि 245 पे बाई कीजिए, और देखिए 245 से भी 257 में है, तो ये भी प्रॉफिट में ही है। तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स प्रॉफिट में ही है या कुछ ने टारगेट अचीव कर चुके हैं, क्योंकि जो मैं आपको टारगेट देता हूँ टारगेट बिल्कुल 5-10% का नहीं देता हूँ, टारगेट आपको देता 40% से भी ज़्यादा का। तो बाकी इसके अलावा कोई आपको स्टॉक लगता है कि जो टारगेट अचीव नहीं हुआ है या फिर SL लेवल के नीचे है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिव्यू दे दूंगा उसका कि आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अब बात करते हैं आगे हमारे चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक की। तो चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक अभी आगे हम डिस्कस करने से पहले आपको भी एक और बता देता हूं कि पूरे सेक्टर में ही आप फाइनेंशियल सेक्टर में देखोगे, जो फाइनेंशियल सेक्टर है फॉर एग्जाम्पल जैसे महिंद्रा फाइनेंस, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें भी काफी अच्छा, ये देखिए बिल्कुल ब्रेकआउट के लेवल पर है, काफी अच्छा इसमें स्टॉक ऊपर जाता है, थोड़ा करेक्शन देता है फिर ऊपर जा रहा है, तो अभी ये काफी टाइम से वीकली चार्ट पर ऐसे हमें देखने को मिल रहा है। और एक और स्टॉक है जैसे AB कैपिटल, तो ये देखिए महिंद्रा फाइनेंस का प्राइस है 229, AB कैपिटल का प्राइस है 151, जो मैं आपको चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक बताऊंगा 100 से बिलो। तो यहां पर आप देखिए कि वैसे तो ये स्टॉक भी चार्ट ऑफ द वीक में काउंट करने के बिल्कुल है, बट इसमें क्या है कि एक थोड़ा सा मूव आ चुका है वन साइडेड लास्ट 2 वीक से, तो इसमें अगर आप एंट्री करना चाहोगे तो ये 140 के पास कीजिए, या थोड़ा और नीचे मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि FNO का स्टॉक है थोड़ा अप डाउन होते रहता है, तो नीचे आपको मिल जाए तो ये स्टॉक भी आप कर सकते हो। और दूसरा इसमें बताता हूँ कि इसमें ये देखिए बाइंग क्यों आई है नीचे से, प्राइस पहले ये देखिए नीचे जा रहा था, नीचे से ये ट्रेंड लाइन को बार बार टच कर रहा था, और जो पुराने सब्सक्राइबर है उनको तो पता होगा ये मैं स्टॉक बार बार आपको ये 120 के लेवल से बार बार कमेंट किया हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, पोजिशन ट्रेडिंग के लिए भी, और आपको ये बार बार रिकमेंड किया था, और अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी ये बार बार नीचे के लेवल से रिकमेंड किया था। तो जिसने होल्ड कर रखा है अभी तक तो वो अच्छे प्रॉफिट में होंगे, और होल्ड कीजिए इसको अभी भी, क्योंकि इसमें भी बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। और इसका रीजन क्या था कि ये क्यों आपको थोड़ी समय लर्निंग कि क्यों ये पर किया, तो यहां पर आप देखिए स्कैनर डॉट इन में हम आएंगे, तो यहां पर सिंपली किया, यहां पर FI देखिए, पहले FI का जून के क्वार्टर में 2.55 यहां पर स्टेक था, बट लास्ट के क्वार्टर में उन्होंने 6.80 करीब करीब, ये देखिए उन्होंने 3 पॉइंट से ज्यादा, यहां पर DIG ने जरूर सेल किया, बट DIG ने जो सेल किया वो FIs ने बाई किया, पब्लिक ने बाई नहीं किया, FI ने बाई किया। तो ये चीजें आपको ट्रैक करनी होती हैं कि कब कौन क्यों यहां पर बाय सेल कर रहा है, तो ये चीजें आपको देखनी होती हैं। और यहां पर देखिए तो इसी वजह से ये देखिए स्टॉक में लास्ट के क्वार्टर में वो बाइंग करते रहे, और देखिए कैसे अच्छा मूव देखने को मिला, क्योंकि वो हमेशा देखिए होलसेल के प्राइस पे बाई करते हैं, नीचे के लेवल पे बाई करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपने इसको ट्रैक करना है FI, DI, प्रमोटर की बाइंग सेलिंग, इन सब की अगर आप बाइंग सेलिंग को आप के थ्रू, साथ में आपको प्राइस एक्शन का भी पता चले, तो ये हमारा एक बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ये माय बेस्ट सीक्रेट फाइंड मल्टीवैगर स्टॉक स्ट्रेटजी, इसमें बताया गया है कि कैसे आपने FI, DI, प्रमोटर का स्कैनर के थ्रू आपने कैसे डाटा चेक करना है कि कौन किस में बाइंग सेलिंग कर रहा है, साथ में आपको प्रमोटर की डेली बेस पे कैसे एक्टिविटी बाइंग सेलिंग की ट्रैक करनी है, तो वो भी इसमें बताया गया है, साथ में प्राइस एक्शन बताया गया है। तो ये जो कोर्स है माय बेस्ट सीक्रेट फाइंड, तो ये आप कर सकते हो एनरोल,
और इसमें वीडियोज हैं, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक है, आप कभी भी देख सकते हो। साथ में आप ये लिंक, आपका ये ऐप का डाउनलोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो डाउनलोड जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम कई बार आपको फ्री में यहाँ पर लाइव मार्केट में भी कोर्स देते रहते हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ पर चैट में वो लेवल मिलते हैं लाइव मार्केट में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर चेकआउट कीजिए। अब बात करते हैं हमारे आज का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। और वैसे आपने हाल ही में देखा होगा कि मैं काफी स्मॉल प्राइस के स्टॉक अभी काफी मैंने रिकमेंड किए हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि यहाँ पर ये हमारा जो ये तो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, टीवी सिक्योरिटी कैश प्रीमियम, ये पेड प्रीमियम ग्रुप है, तो इसमें देखोगे आप SBC के नाम से स्टॉक आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ये देखिए 10 और 11 के प्राइस वाला, तो ये आप चेक करोगे 10 11 वाला आज की डेट में 17 हो गया है, और एक आपको अभी रिसेंटली दिया था ये बता देता हूँ, चलो PFB, ये देखिए 21 और 22 वाला ये 25 हो चुका है। और वैसे आपको फ्री टेलीग्राम चैनल है जो हमारा, ये देखिए ट्रेडर विशाल शर्मा, इसमें भी आपको बता दिया था एक और स्टॉक आपको बताया था इसमें IRFC, तो ये 26-27 के लेवल दिया था, 37 एग्जैक्टली, आप चैट चार्ट खोल के देखिए इन सबके एग्जैक्टली ये बिल्कुल टच कर कर वापिस आ गया, हमारा टारगेट बिल्कुल इसने टच कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि मैं वहां पर ही, आपको फ्री चैनल ये हमारा लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, तो फ्री वाले चैनल में भी मैं वहां पर कभी कभी देता रहता हूं आपके लिए। तो एक बार अगर आप चार्ट देखना चाहते हो तो देखिए, आप थोड़ी सी लर्निंग पर्पज से आपको बता रहा हूं कि ये जरूरी नहीं होता कि कम प्राइस वाले आपको रिस्की लगते हैं या कैसे, बल्कि अगर आपके पास स्टॉप लॉस है, आपको पता है कि यहां से मुझे एग्जिट होना है, तब फिर कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर जैसे यहां पर एंट्री दी थी, ये एक वीक बाद फिर यहां पर टेस्ट किया, और उसके बाद ये जैसे ये देखिए कैसे इसमें बड़ा मूव आया, ये हमारे पास स्टॉप लॉस था। तो स्टॉप लॉस अगर आपके पास है, आपको चार्ट परफेक्ट लग रहा है, डाटा अगर ओके लग रहा है, तो स्मॉल प्राइस वाले आप स्टॉक ले सकते हो, और बट लेने तब होते हैं कि जब लगे कि यहां पर मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपको रीड करना आना चाहिए सब कुछ। और जैसे IRFC आपको सबको पब्लिक में दिया, तो ये स्टॉक भी आपको देखिए ये बिल्कुल यहां पर कैश किया, और उसके बाद कितना बड़ा मूव टच कर कर वापिस आ गया। और वैसे एक है PSB पंजाब एंड सिंध बैंक, सारे PSU बैंक को आप फोकस देखिए कि जिसमें अच्छी एंट्री मिल सके, तो यहाँ पर भी ये देखिए ये 200 डे के EMA के ऊपर भी निकला, और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि देखिए 200 डे के EMA के ऊपर निकलने के बाद कैसे इसमें बड़ा मूव आया, ये 20 वाला आप देखिए 25 तक टच हो गया। तो आज जो अभी मैं आपको स्टॉक बता रहा हूँ वो कुछ ऐसे ही है, जस्ट 200 EMA को अभी क्रॉस करने वाला है। स्टॉक का नाम है JM Financial। अब JM Financial देखिए, आपने देखा कि जैसे दूसरे जो फाइनेंस सेक्टर के हैं या ब्रोकिंग सेक्टर के जो स्टॉक है, जैसे AB कैपिटल, तो उन सब में आप देखोगे कि मूव आ चुका है, एक अच्छा काफी अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है, बट ये अभी आप देखोगे तो ब्रेकआउट के लेवल पर है। चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए, और पहले आप इसकी पूरी पिक्चर आप देखिए JM Financial की। ये देखिए इसने हाई बनाया था 188 ये 2017 में, उसके बाद ये डाउन ट्रेंड में नीचे, और ये बार बार सपोर्ट ले रहा था 55 के पास, तो 55 के पास सपोर्ट लेने के बाद एक बार फिर से इसने क्या किया, यहां पर ये देखिए बार बार ये इसका रेजिस्टेंस ले रहा था 80 का, तो आपको इसे में एंट्री कैसे करनी है। इसमें आप देखिए कि 80 के ऊपर निकलता है, 80-81 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तब आप इसमें बाई कीजिए, क्योंकि इसमें आप देखोगे कि जब भी ये 80 के पास आता था तो वीक बनती थी, आप देख रहे हो यहां पर वीक बनती थी, ये आप देखिए यहां पर वीक बन रही है ये, बट इस बार इसमें विक नहीं बनी, बिल्कुल टॉप पर इसकी क्लोजिंग हुई है, तो ये आपको देखना होता है कि क्लोजिंग कैसे हो रही है, कैंडल प्रॉपर कैसे बन रही है। तो इसमें आप 80 के ऊपर इसमें बाय कीजिए, फर्स्ट टारगेट रहेगा 97-98 का, और अगर आप स्टॉप लॉस इसमें रखोगे तो स्टॉप लॉस 65 तक आप रख सकते हो, या फिर आप बिल्कुल टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो आप 70 का रख सकते हो। और दूसरा जो टारगेट रहेगा बड़ा टारगेट वो रहेगा 118 का, वो टारगेट आप ये देख लीजिए, क्योंकि ये बार बार ये 120 के आसपास जाता है और वहां से फिर इसमें अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आकर फिर ये स्टॉक नीचे आ जाता है। तो आज के लिए ये फ्रेश
जो स्टॉक है ये है जेएम फाइनेंशियल। आज का फर सिर्फ एक ही स्टॉक दे रहा हूँ और इसमें आप देखोगे तो इसमें ये जो करेक्शन थी, तो करेक्शन में आप देखोगे कि वॉल्यूम कुछ ज़्यादा नहीं थे, कोई ऐसी बड़ी सेलिंग देखने को नहीं मिली, बट अभी धीरे धीरे थोड़ा सा इसमें बाइंग साइड में वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए आपको ये रिकमेंड की आपको सजेशन दे रहा हूँ कि ये अभी इसमें ब्रेकआउट नहीं आया, तो यहाँ पर दो दो आपके लिए पैरामीटर्स हैं, लॉजिक है कि एक तो ये रिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा, दूसरा ये 200 डेज का ईएमए वीकली चार्ट पर क्रॉस करेगा, तो उसके बाद ये फास्ट मूवमेंट आ सकता है, एटलीस्ट 100 तक ये फास्ट जा सकता है। तो स्टॉक पर अपनी नजर रखें, थोड़ा अगर आपको डिप में भी मिल जाए तो डिप में भी कर सकते हो, ये 73-75 के आसपास, तो वहां पर भी बाई कर सकते हो। साथ में मेरा डिस्क्लेमर रहेगा कि मैं आपके साथ जो भी ये स्टॉक्स और लर्निंग आपके साथ शेयर की है, तो सिर्फ लर्निंग के वजह से ही मैंने आपके साथ शेयर की है, एजुकेशन सो दैट कि आप सीख सको। तो अपनी एंट्री लेने से पहले आप प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, साथ में आप अपनी सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए कि देखिए जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना हो तब तक ऐसे किसी पर बिलीव ना करें। पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस ये इसका ये स्टॉक का एनालिसिस है, इसमें ये लॉजिक है, तब उस ट्रेड लीजिए, और ये उसका स्टॉप लॉस है, ये टारगेट। अगर ये चीजें आप सबको पता है तब फिर आप ट्रेड लीजिए, ऐसे ब्लाइंडली ट्रेड कभी ना कीजिए। तो आई होप कि आप ये बात समझ चुके होंगे, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, और कोई सजेशन राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।